आज के सेशन में प्रीवियस पेपर क्वेश्चन ऑफ हरियाणा जीके स्पेशल फॉर एसटेट एंड एचएसएससी जो कि एसटेट में 10 नंबर के और एचएसएससी में 20 नंबर के हरियाणा के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 201। यादवेंद्र उद्यान जिसे उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है कहां पर है? यह पिंजौर पंचकुला में है। मामा भांजा की प्रसिद्ध मस्जिद कहाँ है? यह प्रसिद्ध मस्जिद सोनीपत में है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन किस जिले में है? यह पंचकुला जिले में है। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है, सबसे कम होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग जो कि राजस्थान से सटा हुआ भाग है, वहाँ वर्षा सबसे कम होती है। हरियाणा का कितना भाग वन से घिरा है? 1603 वर्ग किलोमीटर भाग वन से घिरा है। हरियाणा में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? वार्षिक औसत 45 सेंटीमीटर है। लोकसभा में हरियाणा की कितने सीटें हैं? लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें हैं। मेहंदी रचे हाथों के लेखक कौन है? रमेश चंद्र। मेहंदी रचे हाथों के लेखक रमेश चंद्र हैं। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। हरियाणा का प्रथम सूफी संत था। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा जिला है? उत्तर में हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश। सखी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई है? पीड़ित महिला के उद्देश्य से शुरू की गई है। हरियाणा के प्रथम संपादक व पत्रकार कौन था? जियालाल जैन। किस जिले का सर्वाधिक घनत्व है? सर्वाधिक घनत्व फरीदाबाद का है और सबसे कम सिरसा जिले का है। नगर को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? नगर को 47 सेक्टर में बांटा गया है। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में हुआ था, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल चंडीगढ़ में है? चंडीगढ़ में रोज गार्डन, रॉक गार्डन, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट, ये सभी पर्यटक स्थल चंडीगढ़ के हैं। फरीदाबाद की जनसंख्या घनत्व कितना है? फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जो कि 2298 है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुई। हरियाणा का समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि, जो कि रोहतक से निकला था। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में राजस्थान राज्य है। एचएमटी की फैक्ट्री किस जिले में है? एचएमटी की फैक्ट्री पंचकुला जिले में है। हरियाणा के गुड़गांव में निम्न में से किसकी स्थापना की जा रही है? हरियाणा के गुड़गांव में साइबर सिटी, मेडी सिटी, वायलेट पार्क, इन सभी की स्थापना की जा रही है। निम्न में से कौन सा एक सोनीपत का शहर नहीं है? सोनीपत का शहर नहीं है, अंबाला सोनीपत का शहर नहीं है, गुहाना है, गनौर भी है, ये रेवाड़ी भी नहीं है। कुरुक्षेत्र के यूके से 1 किलोमीटर दूर पर कौन सा एक प्राचीन स्थल है? नरकातारी स्थल है। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक से निकलती है और अंबाला में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। 1526 ईस्वी का युद्ध बाबर और हुमायूं के बीच लड़ा गया, पानीपत में लड़ा गया। 1526 ईस्वी का युद्ध बाबर और 1526 ईस्वी का युद्ध बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो कि पानीपत में हुआ था। सबसे कम अवधि वाला हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? सबसे कम अवधि वाला वीरेंद्र सिंह रहा, राव वीरेंद्र सिंह। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? इनमें से फतेहगढ़ शामिल नहीं है, बटियाना है, कुरुक्षेत्र है और हरियाणा है। हरियाणा का कालेश्वर पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा कालेश्वर पार्क पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत की रचना हरियाणा के किस जिले में की गई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई। 27-17 श्लोकों का संग्रह किस संत ने किया? संत गरीबदास ने किया। जाट गजट समाचार पत्र किसने लिखा? चौधरी छोटूराम ने लिखा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर अधिक है? गुड़गांव जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है और मेवात जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है। राज्य विश्वविद्यालय। राज्यसभा में हरियाणा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? हरियाणा से 5 सदस्य चुने जाते हैं। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण्य की राजधानी है? अग्रगण्य की राजधानी अगरोहा है, जो कि हिसार जिले में है। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल चना, कपास, बाजरा, मूंग। इनमें से चना जो कि रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है। कपास, मूंग, बाजरा। राज्य में सर्वाधिक मसाला उत्पादन होता है? हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ब्लू बर्ड झील है, हिसार में है, जो कि हिसार जिले में है। हरियाणा में मारुति कार उद्योग गुड़गांव में है। देश के 51 शक्तिपीठों में हरियाणा में कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कौन सा समाचार पत्र नेकीराम ने शुरू किया? संदेश समाचार पत्र नेकीराम ने शुरू किया। कांग्रेस के नागपुर में वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? हरियाणा का प्रतिनिधित्व बाबू श्यामलाल ने किया। इनका प्रतिनिधित्व लाल अगरसेन ने किया था, बाबू श्यामलाल ने नहीं किया। ये रॉन्ग आंसर है। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कुरुक्षेत्र के संदर्भ में यह महाभारत का युद्ध हुआ था, यहाँ हुआ था, सही बात है। भगवत गीता का जन्म स्थल है, ठीक है। यहाँ पर 360 ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सभी कथन सत्य हैं। 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किसे फांसी पर लटकाया गया? 23 सितंबर 1857 को अब्दुल हरमान को लटकाया गया, अब्दुल रहमान को। क्रांति का बिगुल हरियाणा में कहाँ बजा? सर्वप्रथम हरियाणा में कहाँ बजा? अम्बाला में सर्वप्रथम बजा। हरियाणा के गुड़गांव में होता है। हरियाणा के गुड़गांव में मारुति उद्योग है, जो कि सबसे बड़ा उद्योग है, मारुति कार उद्योग। हरियाणा में वर्तमान समय में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? असैनिक हवाई अड्डे कुल 6 हवाई अड्डे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।